नमस्कार। और आज हम करेंगे थोड़ी सी गंभीर बात। अब गंभीर बात क्यों? क्योंकि वो स्थिति बन चुकी है, वो पड़ाव पे हम आ चुके हैं कि अब जो हमने सोचा था ना कुछ महीने पहले कि बड़े शान से हम इलेक्शन करवाएंगे, एएफए प्रेसिडेंट को तो हटा दिया है, सेक्रेटरी को भी है ना वो भी हट गया है, अब नए लोग आएंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, बड़ा तेज तुर्रम खान कहीं का बालजी लेके आएंगे, उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे और वो बड़ा देश का विकास करेगा, है ना, ये सब चीजें हम प्लान कर रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? आपको पता है क्या हो रहा है? अब भैया ऐसी स्थिति आ गई है कि ऐसा हाथ जोड़ के, अरे भैया बंद करो जो नाटक चल रहा है तुम्हारा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस बात को नोट कर लो, आप नौटंकी बंद करो, ये दुखद घटना है। पहले ये सोचो कि वो बैन को हटाना कैसे, बैन को रोकना कैसे। तो अभी इनका वो लगा पड़ा है ना, आपको ही पता है, अभी वही चीज चल रही है अभी। मतलब कि इस चीज के ऊपर भाई, मतलब हम सोच रहे कि ये चीज बंद हो, तो ये चीज बंद होने के बजाय बढ़ते जा रही है ना, दिन पर दिन ये चीज और बढ़ रही है आगे। मतलब जून से इस पे काम चल रहा है, साला एंडिंग डेडलाइन के पास पहुंच गया। जुलाई 31 डेडलाइन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फीफा ने, कितने दिन बचे? 10 दिन। जो तुम महीनों में नहीं उखाड़ पाए तो घंटा करोगे, 10 दिन में घंटा बन रहा तुमसे। अब एक बात है कि सीओए को लेके आए, ठीक है, सीओए आई भैया, सीओए आई कि अब हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, हम एएफएफ संभालेंगे, ठीक है, हम सबको हमारे है ना बाटली में उतारेंगे, एक नया अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और साला इंडियन फुटबॉल का साथ ले जाएंगे ऊपर। हमको लगा वाह क्या बात है, ये कुछ अच्छा करेंगे, है ना। अब आते हैं और लोगों के साथ बना ही नहीं पाते, है ना, आपका विरोध कर रहे सब लोग, क्या है फिर ये? मतलब कि आपसे अच्छे तो हमारे इधर जो वो दुर्गा जी बैठती, जब वो दुर्गा सेवा समिति वाले लौंडे लोग होते ना जो सब संभालते, प्रसादी सबको आरती में संभालना, कोई लौंडा कुछ गलत हरकत ना करे, ये सब जो संभालते वो ज्यादा अच्छे, साला 9 दिन में एक नंबर टिच्चे काम करते हैं और अच्छे से सबका आशीर्वाद लेके जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपको हमने थोड़े दिन के लिए सीओए को किया भी है कि बैठिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपने तो और उसकी माँ बहन एक कर दी पूरी। मतलब क्या ऐसा, अब आप खुद सोचिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप सबकी मिली भगत, सबको आप टेबल पर बैठा कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उसके ही अपोज में वही, मतलब कि 35 स्टेट एसोसिएशन उसके अपोज में खड़े, क्या है? उनको नहीं माना पाए आप, उनको समझा नहीं पाए, उनके साथ है ना डील नहीं कर पाए, एफएसडीएल ने आपको केस ठोक दिया, तो फिर ये क्या चीज है? अभी देखो आईएसएल, आई लीग, एफएसडीएल, अरे सब गए तेल लेने, गड्ढे में जाए साला, है ना, यहाँ देश बचा लो पहले। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। ये जो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने सपने देख रहे हैं कि एशिया कप क्वालिफाई हो गए, एशिया कप खेलेंगे, अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप देखेंगे, अंडर 17 वर्ल्ड कप में हमारी लड़कियां खेलेगी, अंडर 20, अंडर 23 एशिया कप क्वालिफायर खेलेंगे, एशियन गेम्स में जाएंगे, है ना, हिलाते रहना फिर जाके कहीं कोने में, सब देखते रहना दूसरे देशों को, वो पाकिस्तान में निकल जाने का आगे, उसका भी बैन हट गया, इधर बैठे रहना है ना कोने में सोते रहना, यही फिर हाल रहेगा। तो यहाँ जरूरी अभी ये है कि देश के ऊपर का बैन तो बचाओ, आपकी वो लड़ाई चल रही है ना, कोई यूट्यूब पे उधर से बोलेगा, इधर से कोई ट्वीट करेगा, तो इधर ले लो, ये कर रहे थे, उन्होंने केस ही ठोक दिया ना एफएसडीएल ने, ले लो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब एक बात बताओ सिंपल सी भैया, कि एएफएफ 2010 में अपनी मरवा ली उसने, सब बेच खाया, पता नहीं क्या सूझा कि भाई पूरे राइट्स कौन देता है, पूरे दे दिए तुमने तो ले भर लो अपने में। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विकी ओबेरॉय की है। विकी ओबेरॉय की है, बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है, बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। अरे भैया थोड़ा बहुत ऐसा 50-50 रखना था कि भैया हमारे अंडर भी रखो कुछ, पूरा दे दिया, ठीक है चलो अब दे दिया तो दे दिया, अब भैया जब दे ही दिया है तो अब कुछ उसका भैया कुछ करो। लेकिन अब ऐसा है कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि जाओ एफएसडीएल निकलो इधर से, मतलब आप बोल तो रहे हो कि हम एफएसडीएल के अगेंस्ट नहीं है, हम आई लीग आईएसएल के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है ना कि जो एएफएफ के पावर में वही लिख रहेगी टॉप। अरे तो भैया इतने अनपढ़ लोग थोड़ी ना है ना, वो नीता अंबानी जी इतनी वो अनपढ़ थोड़ी ना ठहरी कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि भैया हाँ
ये टॉप एएसएफ के पावर में कौन सी लीग नहीं है, कौन सी है, इतना सब बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा है और आपने लिख दिया। अब बताओ क्यों मानेंगे वो, इतने साल तक पैसे दे रहे हैं, इतना उनने प्लान बना लिया, इतना कर लिया, क्यों माने। और भैया देखो मैं यहाँ पे एफएसजेएल की गलती मान नहीं रहा, है ना, क्यों नहीं मान रहा उसका भी कारण बताता हूँ। ये गलती एएसएफ की है, वो उनकी गलती, क्यों तुमने ये, मतलब 2010 में कौन से क्यों किया तुमने ऐसा, मतलब जो भी है वो उनकी गलती है। एफएसडीएल तो एक प्राइवेट कंपनी है, वो आई उनको, भैया प्राइवेट कंपनी थी, उनको उनका जो फायदा लग रहा उनने किया, इंडिया फुटबॉल को डेवलप करने के लिए उनके जो विचार थे उनने किए, वो तो एएसएफ ने डील साइन करी ना, तो वो उनकी प्रॉब्लम। एफएसडीएल वो आए जाए उसको क्या घंटा फर्क पड़ रहा, बात तो सही है। और एक और चीज कि जब 2010 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे पूरे देश को पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, है ना, सौभाग्य से हम तो भी उस टाइम इतने छोटे थे, हमको घंटा समझ नहीं थी, है ना, तो अपने को तो ज़्यादा आइडिया नहीं था उस टाइम पे। एक दो साल बाद जब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग में, है ना, वो आया मैच्योरिटी, तब समझ में आ गया अच्छा ऐसा भी होता है। उस टाइम आपने कह दिया कि एफएसडीएल की लीग जो होगी न्यू लीग आईएसएल, वो इंडिया की सबसे टॉप लीग होगी, सबसे प्रेस्टिजियस लीग होगी, कह दिया आपने, लिख दिया, है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। तो भैया लिख दिया तो अब लिखा पत्थर की लकीर हो गई वो बात, एक बार आपने लीगली कुछ लिख दिया तो अब उस थोड़ी ना बदलेगी। अब आप सोचोगे कि 2022 में आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, उसमें आप ऐसा लिख दोगे कि एफएसडीएल के अंडर में कुछ नहीं रहेगा, तो भैया वो क्यों मानेंगे, वो तो उनके पास सबूत अबूत सब है ना, क्या करोगे, वो कोर्ट में जो केस है वो तो उनके पक्ष में जाना है, साइन तो कर रहे हैं ना, तो बैन तो लगना था है, क्योंकि वो घंटे नहीं मानेंगे, वो 35 मेंबर भी नहीं मानने वाले आपके 20 पॉइंट जो भी आपने बनाए वो नहीं मान रहे, मानना होता तो पहले ही मान चुके होते, है ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि डेडलाइन के नजदीक आ चुकी गाड़ी, उनको भी समझ में आ रहा है। अब खुद सोचो क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि नहीं मानेंगे वो, और जब आपको ही पता है कि नहीं मानेंगे मतलब तो बैन लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही है आलू छीलना है ऐसे यूं करके और पापड़ बना के बेचना। पाकिस्तान और इंडिया वही सेम लेवल पे आ जाएंगे और अपनी रैंक ही इतनी मेहनत करके रैंक बढ़ाई होगी, चलो बेटा सीधे 200 के पास वापस, क्या 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 लगेगा, है ना, बहुत प्राउड फील होगा, है ना, 200 रैंक जब होगी अपनी, वाह वो रहेगा प्राउड मोमेंट। जब वो कुछ साल पहले जब वो बहुत बुरी बेइज्जती करी थी ना फीफा ने अपनी, स्लीपिंग जाइंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल इंडिया, और डाल दिया फीफा के पेज पे, क्या बुरी बेइज्जती करी थी, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करी हमने कुछ सालों में, हम पहुंचे भी है थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा लोगों की नजर में दिखना चालू है, तो ये फीफा बन लगा के पूरा उतार लेना। तो क्या चाह रहे हैं ये देश के लोग जो है ना, ये चाह रहे हैं कि बस देश का फुटबॉल बढ़े और ये फीफा बैन ना लगे, ये सब चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो भैया कुछ अलग ही सीन है। अब जैसे कि जो एक आई लीग क्लब के वो चाह रहे भैया वन लीग, है ना, वन लीग, उनका कहना है कि हम आई लीग के खिलाफ आईएसएल, आई लीग वर्सेस आईएसएल नहीं कर रहे, हम वन लीग चाह रहे, एक लीग लाओ वो टॉप लीग रहेगी, उसमें आईएसएल आई लीग मिक्स करो। लेकिन आपने बोल तो दिया, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आप खुद सोचिए, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के नजरिए से सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि जो हो सकती है, मतलब ये हमको भी समझ में आ रहा है कि हो सकती है चीज, लेकिन आप एक डील के हिसाब से देखिए क्या पॉसिबल है, सामने वाला करेगा ऐसा, इतना लग रहा है आपको इतना चूतिया है वो नहीं करेगा ना, तो जो चीज हो ही नहीं सकती वो चीज को लेके जाने का मतलब ही नहीं बनता। अब जो भी है देखो भैया, एफएसडीएल करप्ट है क्या, स्टेट एसोसिएशन करप्ट है क्या, ये कहानी चलते रहेगी, ये लड़ाई लड़ते रहना, लेकिन फीफा बैन लग जाएगा फिर सबकी उतर जाएगी, है ना, सब फिर मुंह सड़ा के बैठ जाएंगे, क्योंकि ना कोई यूथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे, ना कोई सीनियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे, घंटा रह के बैठ जाओगे बस, और बस बैठ जाना फिर, है ना, ऐसे रुद्राक्ष लेके और बस जपते रहना कि बस कैसे निकले ये पूरे दिन और हम पे बैन हटे और फिर हम कुछ सोचे फिर से, तो फिर से पूरी नई सीढ़ी अपनाना पड़ेगा। अब ये सब सोच लेना भैया, और सभी फुटबॉल फैंस आप सोचिए कि किस स्थिति में फुटबॉल गया है, मतलब कि अभी तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में इससे बुरी स्थिति भारतीय फुटबॉल की आई नहीं होगी, कि आप पे बैन लगने वाला है, इससे बुरा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता कि आपके ऊपर बैन ही लग जाए, आप कुछ कर ही नहीं पाओ, मतलब आपको ऐसा बांध दिया बस, अब तुम जिंदा तो हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते तो ये स्थिति हो जाएगी।
तो ऐसी स्थिति में जीना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दूसरे देशों को हमसे आगे निकलते हुए। नेपाल, बांग्लादेश ये खेलेंगे है ना टूर्नामेंट्स और हम देखेंगे उनको, ये देखना पड़ेगा। अगर और डेडलाइन बहुत नजदीक है, 31 जुलाई कॉन्स्टिट्यूशन की डेडलाइन है, ये याद रखिए 10 दिन। और जो महीनों भर में नहीं माने 10 दिन में मानेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता मांडवाली करने का। तो इसके लिए क्या होगा? अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वाली बात है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो हटेंगे नहीं, अड़े रहेंगे, क्योंकि वो अड़े हैं, वो शुरू से अड़े हैं। जिस दिन पहले दिन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ड्राफ्ट निकला था उस दिन से अड़े हैं, तो वो घंटा नहीं हट रहे, वो तो वहीं रहेंगे। तो या तो कुछ इधर करो, क्योंकि वो तो वहीं रहेंगे तो इधर कुछ करो, कम से कम बैन तो बचाओ भाई। वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो ड्राफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो इलॉजिकल है उनके हिसाब से, ठीक है। अब किसके हिसाब से क्या है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उनके हिसाब से लॉजिकल है, वो उसके अपोज में खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है इससे? फीफा बैन ही मिलेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फीफा बैन के अलावा। और उनका ये भी कहना है स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स का कि फीफा बैन तो भैया पहले ही लग रहा था, महीने भर पहले जब फीफा की टीम आई थी इंडिया में, एफसी की टीम आई थी इंडिया में, लेकिन इन स्टेट एसोसिएशन ने कहा कि भैया हम करेंगे, हम सब मिलके सब लेके करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इलेक्शन करेंगे, प्रेसिडेंट लाएंगे। तो फीफा ने टाइम दिया कि चलो भैया कर लो, आप बहुत बड़े बाप हो इतने, है ना, दुनिया भर में इंडिया का नाम चलता है, कर लो ठीक है, देते आपको टाइम। और टाइम में भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, पता नहीं क्या क्या चल क्या रहा था इधर तो ये है स्थिति। और फीफा बैन के लिए तैयार हो जाइए, जैसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। और फीफा बैन होता है, अगर होता है तो भैया मैं तो क्या ही बोलूं फिर आपको। ये पल याद रखिएगा आपके आगे आने वाली जनरेशन को बताने के लिए कि ऐसा भी एक टाइम आया था। भैया अब आप जो भी कहना चाहें इसके बारे में कह दीजिए, मतलब बहुत सड़ेला दिन है आज, है ना, और क्या बोलूँ मैं तो कुछ, मेरे शब्द जो बोलना था मैंने बोल दिया और मेरे दिमाग में तो काफ़ी अपशब्द भी है, लेकिन मर्यादा में रहते हैं हम, इसलिए मर्यादा से बोलते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यही है इंडियन फुटबॉल जो करंट में चल रहा है, बैन बस कुछ पल दूर है, कुछ पल, वो कुछ पल को बचाने के लिए कुछ पल ही बचे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल की दुर्गति हो जाएगी, इंडियन फुटबॉल जो है ना पूरी तरह से बर्बादी की ओर बढ़ेगा ये बैन से। आप समझ सकते हैं एक साल तक फुटबॉल एक्टिविटी से बैन होना फीफा की तरफ से। देख लीजिए उन कंट्रीज की हालत जहां पे बैन लगा था पहले, एक बार देखिए जाके तो आपको पता चलेगा बैन एक्चुअल में होता क्या है। इंडिया में जो बैन लगता है ना, एक महीने के लिए सस्पेंड, एक दो महीने के लिए सस्पेंड, ये तो कुछ नहीं होता, फीफा का बैन होता है असली बैन। पूरी स्थिति है ना, पूरा उधर का मार्केट की मां बहन एक करके चला जाता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अगर ये 10 दिन है, 10 दिन है, ठीक है। तो अब देखते हैं, और आप इसके बारे में आपकी ओपिनियन बताइए। मैं तो भी अपनी ओपिनियन दे चुका हूँ, मैं तो एकदम इसका जिम्मेदार जो है वो 2010 में जो लोग थे वही इसके जिम्मेदार है 2010, ठीक है। और 2010 के टाइम पे जो अभी जो बड़ा होशियारी मार रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, 2010 के टाइम पे क्या कर रहे थे तुम? जब ISL को पूरा राइट्स बेच दिया, क्या कर रहे थे तुम साले? तब तुमने बड़े मजे लिए, अब यहाँ पे होशियारी मार रहे हो, मारो होशियारी। आपकी ओपिनियन आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, इंडियन फुटबॉल बचे रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो अगले जो 10 दिन हम यही होप करेंगे कि भारत की फुटबॉल बची रहे। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि भैया आप बस यही होप बनाए रखिए, यही प्रे बनाए रखिए आपकी, कि बैन न लगे और जो 10 दिन है कॉन्स्टिट्यूशन की डेडलाइन है, इसमें सब चीजें पॉजिटिवली हो, 1% की नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि 1% की नेगेटिविटी भी क्लियरेंस नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आप आपका सपोर्ट बनाए रखिए और थोड़ा सा पॉजिटिव आप भी रहिए, मैं भी रहता हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।